हाँ दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में टोटल जो अभी तक बिहार प्रवेश शिक्षक भर्ती में टोटल 9 जिले का जो रोस्टर जारी किया गया है, वो सभी रोस्टर का दोस्तों आपको एक ही वीडियो में डिटेल से बताने आया हूँ। तो कौन कौन सा जोन में, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, किस सब्जेक्ट में, किस जगह कितना कितना वैकेंसी लाया गया है, मैं आपको वो सारी बातों को आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये रहा जो दोस्तों आ रहा है भोजपुर का, दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 6 to 8 के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा वैकेंसी वाइज डिटेल्स बता दिया गया है। नगर नियोजन नगर पंचायत के थ्रू दोस्तों देखते हैं आरा नगर नियोजन, जहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस या मैथ, हिंदी, उर्दू सभी दोस्तों देखते हैं। जनरल के लिए, फिर EWS के लिए, EBC के लिए, EBC के लिए, BCF के लिए, BC के लिए, उस सभी कैटेगरी वाइज और टोटल सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टोटल डिटेल्स से बता दिया गया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर 6 to 8 टीचर वैकेंसी के लिए जहाँ देख सकते हैं कोइलवार, पिरो, देखते हैं कि जितना भी प्रखंड है आरा का, भोजपुर का, वो सभी प्रखंड का टोटल सब्जेक्ट वही यहाँ पर डिटेल से बता दिया गया है दोस्तों। आप इसे खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको आरा भोजपुर का जो वेबसाइट है दोस्तों वहाँ पर जाना होगा। देन सबसे पहले जो नोटिस है उस नोटिस या रिक्रूटमेंट में आपको क्लिक कर लेना है और वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। हो सके तो इस सभी वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा। डेट आप उस लिंक को क्लिक करिए, सारा वेबसाइट को, ये सारे नोटिफिकेशन को खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। अब तो नीचे आते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपका 6 to 8 के दोस्तों यहाँ पर पूरा फाइनली बता दिया गया है, जहाँ देख सकते हैं आरा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जितने हैं सभी कैटेगरी के अनुसार, सभी सब्जेक्ट के अनुसार वो बताया गया है आपका यहाँ पर ब्लॉक के अनुसार। तो जैसे ये रहा दोस्तों, ये PDF फाइल थोड़ी लंबी है, आई थिंक 18-19 पेज की है दोस्तों। अपने साथ पढ़ के पढ़ लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर 1 to 5 के लिए है, जो अलग अलग तरह से बट के आ रहा है, जहाँ पर देखते हैं कुल आपको यहाँ पर दिखाई जा रहा है और कैटेगरी वाइज दोस्तों देखते हैं यहाँ बताया जा रहा है। और दोस्तों फाइनली बताता हूँ कि कुल अगर देखें तो 1 to 5 के लिए टोटल कितना लाया गया है वैकेंसी आरा में, तो दोस्तों देखते हैं टोटल 852 है। 6 to 8 के लिए 709 वैकेंसियाँ है। ये रहा दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे मैं बिहार से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ आप लोग को अपडेट करता रहता हूँ। जैसे दोस्तों आज सुबह में डाला कि पिछले साल जो आई थी वैकेंसी बिहार शिक्षक भर्ती में, उसका जो मेरिट लिस्ट कहाँ गया था, कितना गया था, कितना हाईएस्ट किया था, कितना लोएस्ट किया था कि दोस्तों, वो इस वीडियो में बताया गया है दोस्तों। आप जाकर इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप लोग पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन गया नहीं था दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ, ताकि आप जरूर जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 4 जिलों का और जो और रोस्टर जारी किया गया था, उस टॉपिक को यह वीडियो बना चुका हूँ। किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। देख सकते हैं मैं पल पल का न्यूज़ अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को देते रहता हूँ। ये सभी न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है दोस्तों, जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों ऊपर आते हैं, अगर आपको ये वीडियो सारा प्राप्त करना है दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों जो रेड कलर का बटन है इसे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं तो देखते हैं आपको जो बेल आइकन उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरा सारा वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। दोस्तों अब आते हैं दोस्तों वापस अपने वीडियो में, जहाँ देख सकते हैं तो ये रहा जम्मू का दोस्तों, जहाँ पर पूरा ऑफिशियल जारी कर दिया गया टोटल रोस्टर दोस्तों, जहाँ देख सकते हैं 1 to 5 के लिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 315 वैकेंसी है दोस्तों। और अपने अनुसार दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट मुख्य परिसर, उसके कुल दोस्तों देखते हैं UR जनरल के लिए, EBC के लिए, BC के लिए कितना कितना वैकेंसी लाई गया दोस्तों। आप देखते हैं यहाँ पर कोटी वर्ग कुल के यहाँ पर जारी कर दिया गया है। दिव्यांग कोटा के लिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों देखते हैं कुल आवंटित पद, टोटल आवंटित पद आपको 315, इस 315 को इस तरह से कितना अनुसार से बटा गया आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए जानते हैं बाकी और सब्जेक्ट के लिए दोस्तों, तो इधर आते हैं जहाँ देख सकते हैं आपको 1 to 5 के लिए दोस्तों, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल से बता दिया गया है टोटल प्रखंड पंचायत का नाम दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा है जो जम्मू का जितना भी प्रखंड है पंचायत का नाम है, वो सभी का यहाँ पर बताया गया और टोटल कितना कितना वैकेंसी लाया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पर बताया गया कैटेगरी वाइज दोस्तों, आप अपने अनुसार जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट जो देख सकते हैं आपका 6 to 8 के लिए, 6 to 8 कक्षा के लिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जारी कर दिया गया आपका प्रखंड पंचायत के अनुसार दोस्तों, जहाँ पर टोटल 552 वैकेंसी है। आप देखते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल बता देता हूँ कि जम्मू की टोटल कितना लाया गया, तो दोस्तों देखते हैं जम्मू में टोटल 6 to 8 के लिए आप देख सकते हैं 531 पोस्ट लाया गया है। तो पूर्णिया का भी जो रोस्टर है वो फाइनली जारी कर दिया गया ऑफिशियल पूरे डिटेल से। आप देख सकते हैं जब 19-20 का जो सचिव जो नियोजन हेतु रिक्तियां जो वर्ग 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए तो जारी कर दिया गया। आप देख सकते हैं 1 to 5 में आपका सामान्य उर्दू बंगला में देखते हैं कितना कितना वैकेंसी आप देख सकते हैं जारी कर दिया गया है। उसके बाद वर्ग 6 to 8 के लिए भी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी के लिए भी टोटल वैकेंसी जारी कर दिया गया। आपका प्रखंड यहाँ पर कितना कितना है दोस्तों आप देखते हैं पूरा डिटेल
से जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 85 हो गया, उसके बाद दोस्तों इधर आते हैं जहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं दोस्तों 127 तक गया हुआ है। जिससे कहाँ पर कितना कितना वैकेंसी जारी किया गया दोस्तों आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। और देख सकते हैं 128 जान सकते हैं भवानीपुर जो लापड़ता लाठी, यहाँ पर आपका सामान के लिए 13 है, उर्दू के लिए नहीं लाया गया वैकेंसी दोस्तों। ऐसा देख सकते हैं टोटल पूर्णिया के लिए भी वैकेंसी जारी कर दिया गया, जो रोस्टर है पूरी जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं डगरुआ में दोस्तों अब आते हैं इधर जहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों फाइनली आपको बता देता हूँ कि कितना है वैकेंसी पूर्णिया के लिए, तो देख सकते हैं अच्छा खासा 2548 टोटल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 514 उर्दू के लिए है, 10 देख सकते हैं इधर कुछ और के लिए है। पिधरा देश तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपका 171 है, जो 628 के लिए लाया गया है। इधर 53 है, इधर 37 है, इधर 86 है। इस तरह दोस्तों देख सकते हैं अच्छा खासा पूर्णिया जिला के लिए भी वैकेंसी ला दिया गया है, रोस्टर जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों पूर्णिया के बाद अब आते हैं अदर जिला, जो जिस जिले से बिलोंग करते हैं आप मुझे कॉमेंट बताइए, कॉमेंट करके बताइए कि मैं उस जिले के लिए एक रोस्टर पर वीडियो बनाकर लाऊं। तो दोस्तों आप सबसे पहले जाकर कमेंट कीजिए और अपना जिले का नाम बताइए दोस्तों, तो मैं जल्द से जल्द उस जिले का जो रोस्टर तैयारी किया गया होगा या उस जिले से रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज आई होगी, मैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपने चैनल के थ्रू लाकर बता दूंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आपका अरवल जिला के लिए, अरवल जिला के लिए भी जो रोस्टर दोस्तों जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं 1 to 5 के लिए, जहाँ पे उर्दू विषय की कोटिवार के अनुसार टोटल जितना भी कैटेगरी है आपका SC हो गए, ST हो गए, EBC हो गए, BC हो गए, EWS हो गए, सभी कैटेगरी में आपका टोटल जो है वैकेंसी वो जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नगर परिषद अरवल के लिए जहाँ पर कर्फ्यू पड़ता है आपका, उसके बाद देखते हैं पंचायती आपका पड़ गया, फिर प्रखंड नियोजन के लिए टोटल आपको डिटेल्स जो वैकेंसी जारी कर दिया गया है, रोस्टर जारी कर दिया गया है टोटल कैटेगरी वाइज। और तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल योग कितना कितना वैकेंसी है, तो दोस्तों आप देख लीजिएगा बहुत लंबा सीट, बहुत लंबा लिस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा लिस्ट है, आप अपने अनुसार दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पर आप जो है जो 6 to 8 तक का जो है वो भी जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं पूरी कोटी वार रिक्तियाँ जारी कर दिया गया टोटल कैटेगरी के अनुसार। देख सकते हैं उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, सभी विषय के लिए तो जारी कर दिया गया है। नगर परिषद अरवल के लिए, प्रखंड नियोजन इकाई के लिए तो पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। ये रहा जो आप देख सकते हैं दोस्तों मोतिहारी पूर्वी चंपारण का दोस्तों फाइनली जो रोस्टर जारी कर दिया गया है, जहाँ देख सकते हैं कक्षा 1 to 5, कक्षा 6 to 8 के लिए जो टोटल विषय वार दोस्तों रिक्तियाँ जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रखंड में जहाँ पर आपका प्रखंड पंचायत नगर पंचायत के लिए दोस्तों टोटल वैकेंसी जारी कर दिया गया है टोटल रोस्टर वाइज दोस्तों। आप अपने अनुसार जो भी लोग मोतिहारी से बिलोंग करते हैं वो अपने अनुसार दोस्तों आप अपने अनुसार जो भी फॉर्म जो भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना आप अपना देख लीजिएगा दोस्तों। और भी दोस्तों आगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक टोटल यहाँ पर जारी कर दिया गया, जहाँ देख सकते हैं कुल योग कितना है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 1800 समथिंग से इधर 2400 समथिंग से इस तरह दोस्तों देख सकते हैं टोटल मिलाया जाए तो लगभग 3337 वैकेंसी लाई गया है मोतिहारी जिला में, जहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं तो नेक्स्ट जो अदर जिला है दोस्तों देख लेते हैं, तो देखते हैं ये रहा गोपालगंज का, जहाँ पर देखते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज रिक्त प्रतिवेदन है गोपालगंज का जारी कर दिया गया। आप देख सकते हैं नियोजन इकाइयों का नाम तो ये रहा पूरा नीति पेज, गोपालगंज में टोटल कितना कितना लाया गया वैकेंसी दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपका कुल और 68 दोस्तों आपका 6 to 8 के लिए लाया गया है और 635 आपको 1 to 5 के लिए लाया गया है। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं टोटल 703 वैकेंसी लाया गया सिर्फ और सिर्फ गोपालगंज में। तो देखते हैं ये रहा दोस्तों पूरा कटिहार का भी रोस्टर जारी कर दिया गया 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कटिहार का भी जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों सभी को बता देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर तो जहाँ कोटी दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखते हैं टोटल 27 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए टोटल 28 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोस्तों देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जेंडर के लिए दोस्तों देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कितना कितना वैकेंसी जारी किया गया दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं टोटल आपका 227 वैकेंसी जारी किया गया है, जिनमें दोस्तों आप सकते हैं सभी कास्ट जितने भी जाति हैं सभी जाति का इसमें मिला हुआ है। अब आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर 78 जो अब देखते हैं बाकी और जो है उसके लिए जारी किया गया। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं टोटल मिला दी जाए तो आपको 305 वैकेंसी जारी किया गया है, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि कटिहार में टोटल 305 सीटें हैं टीचर की भर्ती के लिए। अब आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ नोट से देख लेते हैं, 4% पद विकलांग के लिए आरक्षित है, और तो जो लोग विकलांग हैं उन सभी के लिए 4% का जो पद है डायरेक्ट जो पद वो आरक्षित उन लोगों के लिए है। रोस्टर बिंदु संख्या
313 से 316-17 तक अनुमोदित है, और 316 से 317 तक जो भी है आपको वहाँ पे अनुमोदित किया गया है। इधर दोस्तों देखते ये रहा जो पूरा डिटेल्स यहाँ पर बता दिया गया है कटिहार का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कितना वैकेंसी है कटिहार में। देखते हैं दोस्तों नगर निगम में हो गया, नगर पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर नियोजन में, प्रखंड नियोजन में, दोस्तों आप देखते हैं कितना 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 वैकेंसी लाई गई है, आप यहाँ खुद देख सकते हैं दोस्तों। टोटल आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, और अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, जो आपका 6 to 8 के लिए है। और फाइनली इधर आता है दोस्तों 1 to 5 के लिए, दोस्तों देखते हैं यहाँ पर आपका समाज शिक्षक, उर्दू और सभी विषय के लिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी ला दिया गया है। तो ये देखते हैं ये रहा पूरा जो है आपका डिटेल्स यहाँ पर कटिहार जिला का ही है। आप देख सकते हैं टोटल 14 दोस्तों, बहुत ही लंबा PDF फाइल आपको मिलेगी डाउनलोड करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों कटिहार के पास, देखते हैं ये रहा आपका रोहतास, रोहतास जिला के लिए भी ला दिया गया रोस्टर। लेकिन तो ये जो रोस्टर लाया गया है रोहतास जिले का, वो पूरी तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जगह दोस्तों जो है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जितने भी कास्ट है उन सभी कास्ट के लिए दोस्तों ब्लैंक दिया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट उन सभी का जो है आपका पद है यहाँ पर डायरेक्ट उनका रोस्टर अनुसार आपको जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ से पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर रोहतास अपने वेबसाइट में किस तरह से अपडेट किया है पूरा रोस्टर, मैं खुद से नहीं बता पा रहा हूँ। दोस्तों इधर आते हैं दोस्तों, देखते हैं ये सभी उसी तरह से अपडेट कर बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर आप बिहार शिक्षक में आने वाली जो भी वैकेंसी है उस रिलेटेड जो भी न्यूज़ आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बन रहिएगा, क्योंकि इस रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म देते रहता हूँ। सारा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों मेरे चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अलग गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इस तरह का अपडेट देने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।